नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे अचानक स्कूल जाने से मना करने लग जाते हैं। वह स्कूल के नाम पर चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कतराने लग जाते हैं, जबकि ना वो पहले चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, ना ही कतराते थे, बल्कि आराम से स्कूल चले जाते थे। लेकिन ऐसा बच्चा क्यों करने लग जाते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, हर बच्चा एक अलग माहौल से आता है, हर बच्चे की अलग इच्छाएं होती हैं और हर बच्चा हर सिचुएशन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपका बच्चा अचानक स्कूल जाने से कतराने लग जाए, अचानक स्कूल जाने से मना करने लग जाए, वह बच्चा जो पहले आराम से स्कूल जाने जाता था, अब ना जाने क्यों वह स्कूल जाने के लिए मना कर रहा है, रो रहा है, तो बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजने की बजाय यह जानने की कोशिश करें कि वह ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है। अगर आप न्यूज़पेपर अखबार उठाकर देखेंगे तो रोज़ाना बहुत सारे खबरें आती हैं, केसेस आती हैं, जब बच्चों के साथ स्कूल में या बस में या वैन में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है और माता पिता बच्चे के ना करने पर भी जबरदस्ती बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। माता पिता यह जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बच्चा ना रोज़ाना क्यों कर रहा है, उनका बस एक मतलब है, एक एम है कि बच्चा स्कूल पहुँचे। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, दुनिया में काबिल बने, लेकिन बच्चों की परेशानियों को जानना और बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी माता पिता का कर्तव्य है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में कई बार टीचर किसी मामले में बच्चों को रोज़ाना बहुत डांट रही होती है या कई बार बच्चों की पिटाई की जा रही होती है, जो बच्चे घर में आकर नहीं बता पा रहे होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों को डांटना, बच्चों के साथ अपशब्द इस्तेमाल करना और बच्चों को मारना गैर कानूनी है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में सीनियर जो बच्चों से बड़े हैं या बच्चों के क्लासमेट बच्चों किसी बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। बहुत बार बस में या वैन में जो भैया होते हैं, वह बच्चों के साथ कई बार ऐसा होता है गलत हरकतें की जा रही होती हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा होता है, तब भी बच्चे कतराते हैं। वजह कोई भी हो, अगर आपका बच्चा अचानक स्कूल जाने से मना करने लग जाए, ना करने लग जाए, रोने लग जाए, तो जानने की कोशिश ज़रूर करें कि क्या हो रहा है। और अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट स्कूल की प्रिंसिपल के साथ साथ पुलिस में भी दें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।